ब्रह्माकुमारीज लेकर आए हैं अपने सभी दर्शकों के लिए 24 घंटे का टीवी चैनल पीस ऑफ माइंड। नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्माकुमारीज। सिस्टर, आपका स्वागत है बीइंग लव में। ओम शांति। थैंक यू। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है आपका, ये बीइंग लव है ही लव, लेकिन वापस लव पे जाने के लिए कितनी डिस्कशन, कितनी बातें हो रही हैं, और मुश्किल मुझे हो रहा है टू बी माय ओरिजिनल सेल्फ व्हिच इज आई एम लव, और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं बीइंग लव हूं ही नहीं, क्योंकि बहुत समय से उस ओरिजिनल क्वालिटी के ऑपोजिट बहुत सारी चीजें करते गए। सी, अगर हेल्थ नेचुरल है लेकिन बहुत समय से ध्यान नहीं रखा तो डिजीज की तरफ हम जाते गए, छोटी मोटी बीमारियां ये वो, एंड आपने जैसे कहा अब हमें लगता है कि मैं लव हो ही नहीं, इसी तरह आज हमें लगता है कि हेल्थ हो ही नहीं सकती, परफेक्ट हेल्थ इज नॉट पॉसिबल, कोई ना कोई बीमारी तो होती ही है, बिकॉज हम अपनी ओरिजिनल हेल्थ से दूर जाते गए। वाई? ध्यान नहीं रखा, छोटी छोटी और चीज़ों में अटक गए, छोटी छोटी और ऐसी ऐसी कुछ करते गए जिससे अपनी ही ओरिजिनल क्वालिटी से हम दूर जाते गए, और जैसे हमने पिछली बार देखा वो अपनी ओरिजिनल क्वालिटी अनुभव करने के लिए हम औरों के अप्रिसिएशन पर डिपेंडेंट हो गए। सही बात। कि आई विल फील नाइस, आई विल फील सैटिस्फाइड कंटेंटेड व्हेन अदर पीपल विल अप्रिशिएट माय चॉइसेस एंड डिसीजंस इन लाइफ। मुझे किसी ने कहा था अच्छा ड्राइवर वो है जो खुद भी बच के चलाए गाड़ी और दूसरों से भी बचे। yes. मतलब जैसे आपने कहा कि ऑपोजिट साइड से कोई कुछ भी बोले, राइट right. आप अपनी गाड़ी से मतलब हटा लो, आप अपने आप को बचाओ, निकलो। मोस्ट इम्पोर्टेंट, यू कैन नॉट गेट स्टक विद एवरी पर्सन हु इज कमिंग इन द वे। लेकिन ड्राइविंग करते वक्त हमने कितनी चीजों का ध्यान रखते हैं। हाँ. दिमाग में एक ही बात है कि टक्कर ना हो, रॉन्ग साइड ना चले जाएं, गलत रास्ता ना चले जाएं। लेकिन ये सारा जो हम ध्यान रखते हैं ये किसका रखते हैं? गाड़ी चलाने का ना। किसका? अपना। ओके। मतलब अटेंशन पूरी ड्राइव करते समय किसके ऊपर होती है? हमारे ऊपर। अगर अपनी ड्राइविंग से नजर हटी और दूसरों की ड्राइविंग पर सोचने लगे कि उनको ऐसे तो नहीं जाना चाहिए था, उनको ऐसे नहीं करना चाहिए था, उनको इधर से नहीं जाना चाहिए था, वो सामने से क्यों आए तो मैं भी सामने जाऊंगा, अगर ये करने लगे तो फिर तो एक्सीडेंट हो जाएगा। अटेंशन सारी किस पर थी? अपने ऊपर। अपने ऊपर थी। जीवन में भी तो यही करना है। जीवन में मैं बीइंग लव हूँ, मुझे बीइंग लव ही रहना है, ये चीज नहीं आती। सारी दुनिया ने मतलब नौकर से लेके प्राइम मिनिस्टर तक जो भी कोई कुछ बोले तो असर तो होता ही है। बिल्कुल। ये क्यों होता है? क्योंकि हमने धीरे धीरे अपना रिमोट कंट्रोल उनको दिया, बचपन से ये शुरू हुआ। आप देखो कोई घर आता है तो छोटे बच्चे को कहते हैं परफॉर्म करके दिखाओ, वो डांस करके दिखाओ, वो पोइट्री बोलकर सुनाओ, वो जो स्कूल में आपने अचीव किया था वो लाकर इनको दिखाओ, मतलब अपनी परफॉर्मेंस औरों को दिखाओ। जैसे ही उसने परफॉर्म किया औरों ने अप्रिशिएट किया, राइट right? अब अप्रिशिएट करना वाज नाइस, लेकिन अप्रिशिएट किसको करना था? अप्रिशिएट हमें करना था जो आपने किया। सपोज एक बच्चे ने एक बहुत अच्छा डांस किया, एक बच्चे ने बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई, बहुत बहुत अच्छा स्पोर्ट्स में किया, तो हमें अप्रिशिएट किसको करना था? परफॉर्मेंस को करना था, राइट right? तो लेट्स से हम उस बच्चे को कहते हैं आपने बहुत अच्छा डांस किया, वेरी गुड, लेकिन हमने साथ साथ एक लाइन कहने शुरू की, वेरी गुड बॉय, तुम बहुत ग्रेट आर्टिस्ट हो, तुम बहुत ग्रेट आर्टिस्ट हो, वो भी अच्छा है, लेकिन तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। ये लाइन एक बच्चे के लिए क्या बिलीफ सिस्टम बन रहा था? जब मैंने परफॉर्म किया मुझे अप्रिसिएशन मिला, और जब मुझे अप्रिसिएशन मिला तो लोगों ने कहा मैं बहुत अच्छा हूँ। बहुत अच्छा पेंटर हूँ वुड हैव बीन अ डिफरेंट थिंग, बहुत अच्छा आर्टिस्ट हूँ वुड हैव बीन अ डिफरेंट थिंग, लेकिन लोगों ने कहा बहुत अच्छे बच्चे हैं, आप बहुत अच्छे हो, यू आर अ गुड बॉय, यू आर अ गुड गर्ल। और जैसे ही मैंने कभी कुछ ऐसा किया जो मेरे आसपास के बड़ों को पसंद नहीं आया तो उन्होंने ये नहीं कहा कि ये तुमने गलत किया,
उन्होंने कहा बैड बॉय बैड गर्ल। तो बड़े होने पे भी होता है सिस्टर, मैंने देखा है कि कोई बहन या बहू या पत्नी कोई अच्छी सी डिश बना के लाए तो लोग कहते कितनी अच्छी लड़की है, ये नहीं कहते कि डिश कितनी अच्छी है, कितना अच्छा हलवा बनाया या पूरी बनाई या मीठा बनाया, ये नहीं कितनी अच्छी है। अब हमें लगेगा कि ये तो छोटी बात है, ये छोटी बात नहीं है, जो सुन रहा है इसको, जो इस अप्रिसिएशन को रिसीव कर रहा है, ये उसके लिए क्या प्रोग्रामिंग बन जाती है कि मैं अच्छा तब हूँ या आई एम अ गुड पर्सन जब मैं अच्छा परफॉर्म करता हूँ, और जब मैं अच्छा परफॉर्म करता हूँ उसको जब लोग अप्रिशिएट करते हैं देन आई एम अ गुड पर्सन, अदरवाइज जिस दिन मेरा परफॉर्मेंस खराब है देन आई एम अ बैड पर्सन। यस, बिकॉज़ पेरेंट्स सेड बैड बॉय बैड गर्ल, दे नेवर सेड रॉन्ग एक्ट, दे सेड बैड बॉय बैड गर्ल। तो गुड बॉय गुड गर्ल से घर तक गाड़ी में लाते हुए बात भी नहीं करते कई पेरेंट्स, तुमने अच्छा परफॉर्म नहीं किया आज। अच्छा परफॉर्म नहीं किया में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने किसी दिन अच्छा किया आपने कोई चीज़ नहीं अच्छी की, एवरीबडी वो करेगा, कोई चीज़ अच्छी करेगा कोई चीज़ नहीं करेगा, लेकिन उसको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जोड़ दिया, उसको अपनी उस इमेज के साथ जोड़ दिया कि हम अच्छे हैं या बुरे हैं। सी, क्योंकि मतलब जब टैलेंट को और आपको अलग 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 नहीं किया ना, टैलेंट हो या कोई आपने कोई काम किया, अच्छा आप खाना पकाते हो तो मैंने अपनी बहन को बोला कि तू कितनी अच्छी बहन है, right. ये नहीं बोला कि आपका ये खाना टेस्टी है, आप अच्छा बनाती हैं। अब इसका रिस्क ये है कि मुझे चाहिए कि लोग कहें कि आई एम अ गुड पर्सन, क्योंकि बचपन से मैंने यही सीखा कि जब लोग कहते हैं एंड स्पेशली फॉर अ चाइल्ड, क्योंकि हमने देखा पहले भी कि पेरेंट का ओपिनियन उसका अपना परिचय बनता है, तो जब पेरेंट्स ने कहा कि बहुत अच्छे बच्चे हो, तब मैंने ये अपनी प्रोग्रामिंग की कि जब मैंने ऐसा किया तब पेरेंट मेरे खुश हुए, जब वो खुश हुए तब उन्होंने कहा कि मैं अच्छा बच्चा हूँ, तो इसका मतलब अच्छा बच्चा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा तब लोग अप्रिशिएट करेंगे। ये प्रोग्रामिंग बनी जब हम इतने थे, और जब मैंने कुछ गलती कर दी तो मेरे पेरेंट्स ने कहा बैड बॉय बैड गर्ल, तो इसका मतलब जब लोग अप्रिशिएट नहीं करते देन आई एम नॉट अ गुड पर्सन, दिस वाज द वेरी रिस्की कंडीशनिंग। हमारा डॉक्टर ने था घर पे आ, तो जब भी वो गलत काम हमारा कुत्ता करता था बैड बॉय हटो नहीं करना, तो वो मुझे पता है क्या बोलता था, डोंट से बैड बॉय हटो या गुस्सा मत करो, बोलो बैड हैबिट सी बैड हैबिट सी, तो बोले ये आदत खराब है तुम खराब नहीं हो, ब्यूटीफुल कुत्ते का ट्रेनर तक सिखाए, लेकिन हम सी दिस सो ब्यूटीफुल बैड हैबिट नॉट बैड बॉय, क्योंकि कितना फर्क है, दो हमें लगता है वो व्हाट इज द डिफरेंस, बहुत डिफरेंस है। इतना प्यारा रहा वो डॉगी, अपनी लाइफ नॉर्मल लाइफ से 5 साल ज्यादा जिया, क्योंकि हमने कभी उसको वो नहीं बोला कि तू बुरा है, बैड हैबिट नो बैड हैबिट, which means good boy with bad habit is fine. ये तुम जो कर रहे हो ये वाली आदत ठीक नहीं है, बाकी तो अच्छे हो। हाँ, अब ये हमें सब आत्माओं के साथ भी करना है, ये तो सीखने को मिलता है ना कि अगर इस चीज का असर हमारे पेट पर डॉग्स पर पड़ता है तो मनुष्य आत्मा पर कितना पड़ता होगा, इम्पोर्टेंट। अब अगर हम अपनी कंडीशनिंग को, अपनी कंडीशनिंग को पहले चेंज करें तो बच्चे की कंडीशनिंग और औरों की कंडीशनिंग हमारे आसपास चेंज हो जाएगी। तो आज से हम ये लाइन बनाएंगे, अच्छा बच्चा गलत आदत, विच मींस आपकी आदतें कितनी भी सही नहीं है या आप गलतियां कितनी भी कर देते हो, बच्चे आप फिर भी अच्छे हो, क्योंकि आत्मा ओरिजिनली कितनी ब्यूटीफुल है, हर एक बच्चा कितना प्यारा है, उसकी वो प्यार और इनोसेंस को हमें जीवन में कंटिन्यू रखना है, क्योंकि इनिशियली जब बच्चा आया हमारे घर वो बहुत इनोसेंट और प्यारा था, बैड बॉय बैड गर्ल दिस इज बैड यू आर बैड ये लेबल लगा लगा के हमने उसके स्वमान को क्या कर दिया, आज तक वो बच्चा अंदर अभी तक दूसरों की अप्रिसिएशन की वेट करता है, क्योंकि उसको लगता है जब लोग अप्रिशिएट करते हैं तब मैं अच्छा हूँ, और अगर किसी ने अप्रिसिएशन का ऑपोजिट कर दिया
तब मैं अच्छा नहीं हूँ। इसीलिए आज हम पब्लिक ओपिनियन पर इतना डिपेंडेंट है ना, और क्योंकि हम पब्लिक ओपिनियन पर इतना डिपेंडेंट हैं तो लोग हमें खुश करने के लिए फिर झूठ भी बोलते हैं। जब हम एक दूसरे के साथ झूठ बोलते जाएंगे सिर्फ एक दूसरे को खुश करने के लिए, तो रिश्ते की फाउंडेशन में क्या डल रहा है? रिश्ते की फाउंडेशन में झूठ डल रहा है, रिश्ते की फाउंडेशन में चीटिंग डल रही है, रिश्ते की फाउंडेशन में मैनिपुलेशन डल रही है। मुझे मालूम है कि आपको खुश करने के लिए मुझे कैसे मैनिपुलेट करना है। बेटे करते 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 दोनों के संस्कार ऐसे बन जाते हैं, संस्कार भी बन गए, फाउंडेशन हो जाएगी। रिश्ते का फाउंडेशन, जब हम कह रहे हैं कि आज हमारे रिश्ते स्ट्रोंग क्यों नहीं है, क्यों हिल जाते हैं, सच्चाई नहीं है, सच्चाई फाउंडेशन में नहीं है, जड़ों में नहीं है। और कितना ये एक दूसरे के इमोशंस के साथ कितना मैनिपुलेशन है। आई कैन मैनिपुलेट यू अभी इफ आई से आई नो कि इनको खुश करने के लिए मुझे क्या बोलना है अभी, एंड मैं वो कहूँ ताकि आप खुश हो जाएं, तो मैंने मैनिपुलेट किया ना आपको अभी। और मुझे मालूम है आपको खुश करने के लिए क्या करना है, मुझे ये भी मालूम है आपको डिस्टर्ब करने के लिए क्या कहना है, तो आपका पूरा रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में आ गया, तो आई कैन मैनिपुलेट यू। बर्थडे पर किसी ने इतना बड़ा मतलब केक और फूल और ये भेजे, बड़े बड़े लिखे हुए, बड़ी बड़ी लाइनें, मे गॉड दिस, मे गॉड आपकी सब तमन्नाएं पूरी हो, ऐसे बहुत सारे आए, लेकिन मेरी माँ ने एक दो ही लाइन लिखी थी और इतनी दिल से लिखी थी, सबसे अच्छी गिफ्ट मुझे वो लगी। क्योंकि उसमें बिल्कुल रिश्ते में पवित्रता और एक रियलिटी थी और सच्चाई थी। बाकी ने बोले यार अच्छा, उसको तो याद भी नहीं भेजा, सेक्रेटरी ने भेज दिया होगा। कार्ड की हैंड राइटिंग भी सिस्टर right. वो फूल वाला लिखता है। लेकिन ये सब हम क्यों कर रहे हैं? एक दूसरे को खुश करने के लिए। एक दूसरे को खुश करना क्यों इम्पोर्टेंट है? अप्रिसिएशन मिलेगी। अप्रिसिएशन मिलना क्यों इम्पोर्टेंट है? तब हम अच्छे हैं। खड़े हो गए ना ऐसे, फिर से ऐसे खड़े हो गए, यूर अ गुड बॉय। अब हमें उस कंडीशनिंग को, उस प्रोग्रामिंग को फिर से चेक करना है, क्योंकि जब हमें अप्रिसिएशन मिलती है तब तो ठीक है, अच्छा ही लगता है, लेकिन जब हमें अप्रिसिएशन के अलावा कुछ और मिल जाता है तब हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमारा अपने आप के साथ रिश्ता डिस्टर्ब हो जाता है। आज हमें एक चीज़ अपने आप से पक्की करनी पड़ेगी, हर आत्मा का अपना अपना ओपिनियन होता है, हर आत्मा की अपनी अपनी सोच है, क्योंकि हर आत्मा के संस्कार अलग अलग है, तो हर एक अपना ओपिनियन देगा, एंड अगर कोई ऐसा ओपिनियन दे रहा है जो मेरे ओपिनियन से मैच नहीं करता है, आई शुड नॉट गेट डिस्टर्ब्ड, आई शुड रिस्पेक्ट देम कि ये उनका ओपिनियन है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो मेरे राइट के साथ मैच करे। उनका ओपिनियन और मेरा ओपिनियन बिल्कुल अपोजिट हो सकता है, लेकिन एवरी सोल विल हैव अ डिफरेंट ओपिनियन। जब हम इतने स्टेबल रहेंगे तब लोग हमारे सामने सच बोलना शुरू करेंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर लोग नहीं भी प्रिपेयर्ड हैं, पहले हमें अपने आप से ये डिसाइड आज करना पड़ेगा कि मैं जो सोचता हूँ वो ही मुझे बोलना है, मुझे झूठ के साथ लोगों को खुश नहीं करना है, कभी भी झूठ बोल के किसी को खुश नहीं करना है। अगर मैंने झूठ को यूज किया लोगों को खुश करने के लिए, मेरा अपने साथ रिश्ता ठीक नहीं है। सपोजिंग अप्रिशिएट करने के लिए मैंने बोल दिया मेरी बेटी ने पहली बार केक बनाया, सीखे बहुत अच्छा है डैडी बताओ, तो उसमें क्या झूठ है? झूठ तब है अगर आप सोच कुछ और रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एनकरेज करूंगा, क्योंकि आज नहीं तो बोली गया रे मेरे को तो आता ही नहीं मुझे, परफेक्ट, मैं तो गलत सीख के आ गया। इनकरेज करना है, मोटिवेट करना है, अप्रिशिएट भी करना, अप्रिशिएट नहीं नहीं अप्रिशिएट भी करना है, लेकिन कहाँ से करना है? वी आर सेइंग कि थॉट्स एंड वर्ड्स शुड बी इन हार्मनी, दिस इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। आप अगर किसी ने, जैसे आपने कहा ड्रेस आपको पसंद नहीं आई किसी की, आप अगर ये थॉट क्रिएट करें कि ये मुझे पसंद नहीं आई, मेरे टेस्ट के हिसाब से ये सही नहीं है, लेकिन सामने वाले के लिए उनकी चॉइस के हिसाब से ये उनके लिए बहुत अच्छी है, और फिर आप उसको मुख से अप्रिशिएट करें कि ये जो आपने पहना है, जो आपको पसंद आया, ये आपके ऊपर आपके लिए अच्छा लग रहा है। ऑनेस्टी हियर,
हियर, लेकिन अगर मैंने अंदर से सोचा क्या पहना है, क्या खरीदा, देखा नहीं था, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, एंड बोला दिस पर्सन हैज सच अ बैड टेस्ट, इफ यू आर थिंकिंग दिस पर्सन हैज बैड टेस्ट एंड यू आर सेइंग दैट यू हैव वेरी गुड टेस्ट, दैट इज वेयर इट इज रिस्की. देन आई एम सेंडिंग टू डिफरेंट मैसेजेस ना. अगर मैं आपको दो SMS अभी भेजूं, क्या इसी कारण हम अपनी ओरिजिनलिटी से दूर हो रहे हैं? हम ऑनेस्ट नहीं है ना. जितनी बार हम ऑनेस्ट नहीं होंगे, इंटेग्रिटी नहीं होगी, सोचेंगे कुछ और, बोलेंगे कुछ और, हमारी अपनी एनर्जीज हार्मनी में नहीं है. आज हम दुनिया में भी कहते हैं सच बोलने की ताकत होनी चाहिए, विल पावर चाहिए आज सच बोलने के लिए, लेकिन अपने आप से ही नहीं सच बोल रहे हैं. तो अगर आपको कन्वर्ट भी करना है उसको, यू नो, अब जैसे आपने कहा, अगर मैंने रूडली किसी को बोल दिया कि ये आप पर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, तो सामने वाला हर्ट हो जाएगा. सच बोलने का भी तरीका, सच बोलना है, लेकिन सच भी कैसे बोलना है. अगर मुझे कोई कहे कि ये ड्रेस मुझ पर कैसी लग रही है, आपको क्या लगता है, मैंने सच बोलना है, तो मैंने ये कहना है कि आपको अगर पसंद है तो ये आप पर फिर आपके लिए अच्छी है, मेरे टेस्ट के साथ ये उतना मैच नहीं करता है, बट इफ यू लाइक इट, इट्स वेरी ब्यूटीफुल फॉर यू. तो उस तरह भी तो बोल सकते हैं ना, ये मॉर्निंग टाइप का ड्रेस लग रहा है, आप तो डिनर पे जा रहे हैं, तो शाम के लिए शायद मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से, मैं तो विच इज डिफरेंट. ये बहुत इम्पोर्टेंट है किसी को भी फीडबैक देने के लिए. सपोज आपने व्हाइट पहना है, ठीक है, और वो आपकी चॉइस है कि आपने व्हाइट पहना है, और अगर आपको किसी ने आपको आकर कहा कि मेरे हिसाब से डिनर पर व्हाइट नहीं पहन कर जाना चाहिए, ब्लैक अच्छा लगेगा रात को डिनर पर पहनने के लिए, लेकिन वो किसकी चॉइस है, सामने वाले की चॉइस है, फिर आपको वो डिसीशन लेना पड़ेगा कि हाँ जी, जो आप कह रहे हैं कि जनरली लोग रात को डिनर पर ब्लैक पहन कर जाते हैं, आई अंडरस्टैंड कि आप, योर ओपिनियन इज कि मुझे ब्लैक पहनना है, बट यू नो व्हाट, मुझे व्हाइट पहन कर जाना अच्छा लगता है. रिस्पेक्टिंग ईच अदर्स ओपिनियन, तो क्या होगा, एनर्जीज हार्मनी में होंगी. नहीं तो अगर सामने वाले ने आकर कहा क्या व्हाइट पहना है, व्हाइट थोड़ी पहन कर जाते हैं शाम को, ब्लैक पहनना चाहिए, हम भी डिस्टर्ब हो गए, तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी है. हमेशा एनर्जी हार्मनी में रहना बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ फिर दूसरे के साथ. तो पहले अपने आप के साथ ये करना शुरू करें, जो सोच रहे हैं वो बोलना है. अगर कोई बात बोलने लायक नहीं है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर कोई बात बोलने लायक नहीं है तो सोचने लायक भी नहीं है, अंडरलाइन, तो वो सोचने लायक नहीं, बात बोलने लायक नहीं है तो सोचने लायक भी नहीं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है. अगर मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैंने ये बोला तो आप हर्ट हो जाएंगे, तो ये बात बोलने लायक नहीं है. अगर मेरे बोलने से आप हर्ट हो जाएंगे, तो मेरे सोचने से भी वो वाइब्रेशन आपको जाएगा, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो सोचने से मेरे यहाँ करेक्ट एनर्जी नहीं क्रिएट हो रही. और एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाएगी, अगर हम बहुत समय से सोचते कुछ और हैं और बोलते कुछ और हैं, तो जो हम सोच रहे हैं वो तो यहाँ इकट्ठा होता जाएगा, यू कैन चेंज दैट. अब अंदर इकट्ठा होता गया होता गया, ऊपर से हम प्यार से बात करते गए, मीठा बोलते गए, किसी भी दिन कोई बात आएगी सामने से, स्टिमुलस आएगा सामने से, तो जो मैंने यहाँ सोच के रखा था ना इतने सालों से, फट के निकले, कबर्ड खुल जाएगा, भरा हुआ, वो कबर्ड खुल जाएगा, और वो कबर्ड खुल के ऐसी ऐसी चीजें सारी सामने बाहर निकल कर आएंगी कि सामने वाला तो शॉक हो ही जाएगा कि ये क्या बोल रहे हैं, आज तक तो इन्होंने बोला नहीं था मुझे ये सारा कुछ. हम खुद भी शॉक हो जाएंगे कि हम क्या बोल रहे हैं. जब गुस्सा आया या कुछ ऐसा आया, वो सब खुल जाएगा. तो अंदर क्यों पकड़ के रखना है ये सब, ये कितनी डिसहार्मनी अपने आप के साथ, एंड फाइनली डिसहार्मनी रिश्तों में. और उस दिन की भी वेट नहीं कि जिस दिन वो खुल जाएगा और दूसरे को सुनाई दे जाएगा. इवन अगर वो नहीं भी खुलता वाइब्रेशन में, तो वो जा ही रहा है ना. अगर मैं आपको एक थॉट से भेज रही हूँ कि यू आर अ हॉरिबल पर्सन, एंड वर्ड भेज रही हूँ यू आर अ लवली पर्सन,
तो मैं दो मैसेज भेज रही हूँ ना। तो बेसिक थॉट को कन्वर्ट, जब एक आदमी ने मुझे दुख दिया है, हॉरिबल मुझे लगता है, तो उसको मैं कैसे हटा? उसको भी मुझे चेंज करना होगा, क्योंकि अगर मैंने ये पकड़ के रखा, यूर अ हॉरिबल पर्सन, यूर अ हॉरिबल पर्सन, पहले दर्द किसको हो रहा है? मुझे। आई एम क्रिएटिंग अ पेनफुल थॉट। वन, चेंज कैसे करूं? हॉरिबल पर्सन नहीं, जो मेरे अंदर हॉरिबल 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 एक सेट है चीज, उसको हटाना बताइए। अब उसको सोच को अपना चेंज करना ना। हॉरिबल मतलब उन्होंने कुछ ऐसा किया जो मुझे ठीक नहीं लगता। हॉरिबल की और तो कोई डेफिनेशन ही नहीं है। मुझे हर्ट किया, इंसल्ट किया, राइट, तो जो मेरे अनुसार सही नहीं किया वो किया। अब उस थॉट को चेंज करना कि जो उन्होंने किया वो उनके अनुसार सही लगा, मुझे सही नहीं लगा, विच इज फाइन। हो सकता है मुझे उस दिन सही नहीं लगा, हो सकता है मुझे लाइफ टाइम वो बात सही नहीं लगने वाली है, लेकिन उन्होंने जो किया अपने संस्कार, अपनी डेफिनेशन ऑफ राइट, अपने पर्सपेक्टिव से उन्होंने वो सही किया, वो बात हो चुकी है। अब उस दर्द को मुझे और पकड़ कर नहीं चलना है। अगर मुझे बताना है तो मैं उनको बता भी सकता कि मुझे ये बात ने तकलीफ दी है, अगर आप इसको चेंज कर सकते हैं इट वुड बी वेरी नाइस फॉर मी। लेकिन आप जैसे हैं, फ्रॉम योर डेफिनेशन ऑफ राइट, आपने सही किया होगा, मुझे तकलीफ हुई। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोगों को कहते हैं आप गलत, आप बुरे, नहीं, आपने जो किया आपको ठीक लगा होगा, मुझे वो बात हर्ट होती है। तो हम अपने क्लोज रिश्तों में एक दूसरे को वो कह सकते हैं कि यू नो व्हाट, ये वाली बात मुझे हर्ट कर रही है, नॉट आप मुझे हर्ट कर रहे हैं, ये वाली आपने जो किया ये मुझे हर्ट कर रहा है। इफ यू कैन चेंज, एंड इफ यू कैन नॉट आई विल लर्न टू एक्सेप्ट। क्योंकि हम इतना समय दर्द पकड़ कर नहीं रख सकते। जैसे आपने कहा, जो बोलने लायक नहीं वो सोचने लायक नहीं, कभी भी सामने वाले को दो कॉन्फ्लिक्टिंग मैसेजेस नहीं देना, यहाँ से कुछ और, यहाँ से कुछ और। अगर आपको मैं अभी दो फोन पर दो मैसेजेस भेजूं, यू आर अ हॉरिबल पर्सन, एक सेकंड के बाद एक और मैसेज आता है, यू आर अ वंडरफुल पर्सन, तो क्या होगा? जैसे फाइनली व्हाट डू दे फील अबाउट मी। ऐसे ही कुछ रिश्तों में लोग हमारे से बहुत मीठी प्यारी बातें कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमने उनसे अच्छी वाइब्रेशन नहीं आती है, तो रिश्ता स्ट्रांग नहीं बनेगा। रोज सुबह मेरे पास बच्चा आता है, मेरे बेटे का, 7:30-8 बजे। एक दिन मुझे जल्दी जाना था, मैंने बोला यार ये भी तो मुसीबत हो गई, ये तो रोज की मैंने प्रॉब्लम डाल ली, अब मैं जाऊं तो जाऊं कैसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है ये, अब ये आएगा मुझे उसको एंटरटेन करना है, और जब तक ये सब उसको नहीं करूंगा, ये मैं उसके लिए कुछ नेगेटिव हल्का सा, मतलब कोई अपने ग्रैंडचाइल्ड के लिए नेगेटिव नहीं सोचता, लेकिन थोड़ा नेगेटिव थी, थोड़ा सा एक डाउट था कि अभी क्या करूं क्या, तो अभी वो भी नहीं, ये भी नहीं। तो उस दिन वो बच्चा आया, दादी दादी मेरे सामने देख। बच्चा तो बहुत जल्दी कैच कर लेगा। अगेन लाइक वी सॉ, आत्मा अभी सोल कॉन्शियस है, बड़े उतनी जल्दी नहीं कैच कर पाएंगे, उनको सिर्फ अनकंफर्टेबल फील होगा, इतना क्लैरिटी मैसेज नहीं मिलेगा जितना ही बच्चे को मिलता है। बच्चे की कैचिंग पावर बहुत हाई है, तो हर एक थॉट कितनी अटेंशन से क्रिएट करनी पड़ेगी। दिस इज इट। अब अगर हमने अंदर ये थॉट क्रिएट की, जैसे आपने कहा ना, क्या है अभी मुझे रुकना पड़ेगा, ये तो मैंने हर रोज की जिम्मेवारी उठा ली है, तो ये मैसेज बच्चे को क्या पहुंचा, ये मैसेज क्या पहुंचा आत्मा को कि आई एम नॉट वांटेड टुडे, यस, टुडे यू आर अ बर्डन, वो मैसेज भेजा थॉट्स से, और थॉट्स बहुत देर पहले से क्रिएट होनी शुरू हो जाती है, और जब सामने आए तो हमने बहुत प्यार, अब हमें लगेगा कि ये जो बहुत प्यार हमने सामने से वर्ड्स और एक्शंस में किया, ये कोई झूठ नहीं था, ये जेन्युइन था, इसमें कोई अननेचुरल या झूठ नहीं था, वो तो जेन्युइन था, लेकिन वो सब जो भेज दिया था ऑलरेडी, वो इफेक्ट ज्यादा करेगा। तो ये रिश्तों की फाउंडेशन में फिर बैठ, वो थॉट भी तो जेन्युइन ही था, वो थॉट आपने कहा ना थॉट को चेंज करना। अब अगर हमने ये थॉट भेज दिया योर अनवांटेड, अगर ये भेज दिया हमने किसी आत्मा को योर अनवांटेड, बट सच में मुझे कहीं जाना था, वो ठीक है, वो ठीक है। अगर हमने थॉट भेजा यू आर अनवांटेड, और फिर जब वो सामने आया, वी सेड कम, व्हाई विल द सोल कम, व्हाई विल द सोल कम, हमने तो ऑलरेडी थॉट भेज दिया,
कि आज मेरे पास आपके लिए टाइम नहीं है, तो वो क्यों आएगा? दिस पीपल, अब ये कितना ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है, और ये हमें प्रूव कर देता है कि हमारी वाइब्रेशंस, हमारी थॉट्स, हमारे बोल और कर्म से ज्यादा पावरफुल है. एक, ये हमारे अंदर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रही है, क्योंकि थॉट अलग वर्ड अलग. एक, ये हमारे रिश्ते में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रही है, थॉट अलग वर्ड अलग. तो पहले इसको दो स्टेप पे लेना है. पहले अपने आप के साथ सच बोलना शुरू करें, जो सोच रहे हैं वो बोलना है. अगर चेंज करना है, कन्वर्ट करना है, तो सोच को करो. सोच को कन्वर्ट करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कन्वर्ट करना तो हमें आता है ना, हम बोल को कन्वर्ट कर रहे हैं, अंदर नेगेटिव पकड़ के रख रहे हैं. बोल को कन्वर्ट करें, सोच को कन्वर्ट करो. जब करना ही है कन्वर्ट, तो उससे क्या होगा, यहाँ क्लीन हो जाएगा. यहाँ क्लीन करके फिर यहाँ बोलेंगे तो यहाँ हार्मनी आएगी, फिर यहाँ हार्मनी आएगी तो यहाँ हार्मनी आएगी, कितना कुछ हो जाएगा. एंड फिर कोई रिस्क नहीं रहेगा कि कभी भी कुछ सालों बाद या कुछ दिनों बाद कबर्ड खुलेगा और कुछ और निकल कर आ जाएगा, क्योंकि कबर्ड में जो कुछ संभाल के रखा है वो क्लीन एंड प्योर है. कुछ इम्प्योर संभाला ही नहीं है, जिसका बाहर निकलने का कोई रिस्क है, तो जीवन बहुत रिलैक्स्ड हो जाएगी. नहीं तो ये प्रेशर है कि जब गुस्सा आया ये सब निकल जाएगा, तो ये हमारे जीवन को बहुत सहज सरल बना देगा और हमें अंदर से सच्चा और साफ बना देगा. कहते हैं सच्चाई सफाई, जीवन में सच्चाई सफाई होनी चाहिए. तो कहाँ सच्चाई सफाई? यहाँ सच्चाई सफाई. कुछ पकड़ के मैला नहीं रखा किसी के प्रति. तो जब किसी के प्रति मैला नहीं, कोई सोच मैली नहीं, तो वाइब्रेशन क्लियर. बोल पर अटेंशन नहीं रखना पड़ेगा कि मुझे मीठा प्यारा बोलना है, वो तो मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, वो तो ऑटोमेटिकली निकल कर आएगा बाहर, वो फ्लो करेगा. जब अंदर सच्चाई सफाई होगी, अगर आप कुछ बोल में बोल भी देंगे ना कि मुझे नहीं लगता आपको ऐसे करना चाहिए था, सामने वाले को बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि वाइब्रेशन कौन सी गई है, क्लीन प्योर एंड पावरफुल. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो बीइंग लव बनने का एक ही तरीका मुझे इन बातों से लगा है कि समझना, अंडरस्टैंडिंग, कि दूसरा भी सोल है, दूसरा भी मेरी जिंदगी में कुछ लेकर आया है, या तो पिछले जन्म का प्यार देगा या पिछले जन्म का बदला लेगा. ये सारी बातों को अंडरस्टैंड करने के बाद थोड़ा कुछ अभी आसान हो रहा है. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. ओम शांति. ओम शांति.